Assalamu alaikum. Good morning, students of class 7. Open your page number 13. On page number 13, today we start our second unit of maths, operations on directed numbers. Okay? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इंट्रोडक्शन. वी नो दैट द डायरेक्टेड नंबर्स, जैसे कि हम डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में जानते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 कैन बी रिटन ऑन द नंबर्स लाइन एज फॉलोज. यानी कि जो आपके पास डायरेक्टेड नंबर्स गिवन होते हैं, आप उनको जो है नंबर्स लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं एज फॉलो, यानी कि जैसे आपको यहाँ डिफाइन किया हुआ. वी ऑल्सो नो दैट, हम जैसे कि हम ये भी जानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्टेड नंबर्स +1, +2, +3 यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्टेड नंबर्स होते हैं मे बी रिटन एज 1, 2, 3, उसको जो है इस वे में भी लिखा जा सकता है. यानी कि जब भी पॉजिटिव डायरेक्टेड नंबर्स की बात हो रही होती है, तो वहाँ आप उसको डायरेक्टली नंबर्स इस तरीके से शो करोगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि वो एक तरीके के पॉजिटिव डायरेक्टेड नंबर्स है, क्योंकि उसको जो है इस वे में भी राइट किया जा सकता है. ओके, वी हैव लर्न इन क्लास 6 द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में जो है ऑलरेडी हम क्लास 6 में लर्न कर चुके हैं. नाउ वी लर्न, अब हम क्या लर्न करने जा रहे हैं, द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स. यानी कि यूनिट 2 में जो हम लर्न करने जा रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में हम इस कम्प्लीट यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स. यानी कि आज की क्लास में हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं 4 × 3, जब 4 को मल्टीप्लाई किया जाता है 3, मतलब 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वहाँ आंसर हमारा क्या होता है, 12. इसी तरीके से इज इक्वल्स टू, यानी कि इसी तरीके से क्या बराबर है, 3 + 3 + 3 + 3, 3 इज टू बी एडेड 4 टाइम्स. अगर इसी तरीके से हम 3 को 4 टाइम प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही आ रहा होता है. मीन्स इज इक्वल्स टू के उस पार जो आपको दिया हुआ है सम 4 × 3, 12. इसी तरीके से 3 को जब आप 4 टाइम प्लस करोगे तो भी आपका आंसर 12 में ही आएगा. यानी कि ये वाला साइड जो है इस वाले साइड से बिल्कुल बराबर है जब भी हम एक मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं. नॉर्मल सी बात है, जब आप नॉर्मली आपको एडिशन की बात की जा रही होती है, वहाँ पर आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे या 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो आंसर, और 3 को 4 टाइम प्लस करोगे या 5 टाइम प्लस करोगे तो आपका दोनों का आंसर जो है वो सिमिलर आ रहा होता है. स्टूडेंट, यहाँ जो हम बात करने जा रहे थे वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स की बात करने जाते हैं. मैंने आपसे ये भी कहा कि हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ मैंने आपको जस्ट ये एग्जांपल यहाँ डिफाइन की कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो, या उसी नंबर को उतने टाइम्स प्लस करते हैं तो दोनों का आंसर जो है हमारा सिमिलर आ रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो है ना, मैं आपको कुछ रूल्स डिफाइन करने जा रही हूँ. जब भी हम मल्टीप्लीकेशन और डायरेक्टेड नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. उस रूल्स के बगैर जो है हम इसके सम से जो है वर्क नहीं कर सकते. और वो रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डायरेक्टेड नंबर्स. ठीक है, रूल्स किस चीज़ के हैं, जब भी आपसे बात की जाती है डायरेक्टेड नंबर्स की, तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर है यहाँ पर कि वहाँ पर जो है कुछ साइंस की बात हो रही होती है. एक पॉजिटिव साइन की बात हो रही होती है, एक नेगेटिव साइन की बात हो रही है, यानी कि प्लस एंड माइनस की बात की जा रही होती है. तो जाहिर सी बात है, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे वहाँ भी आप इस रूल्स का ख्याल रखते थे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस को अगर हम सॉल्व करें तो हम उसको किस वे में सॉल्व करेंगे. तो मल्टीप्लीकेशन में भी हम साइन के कुछ रूल्स हैं. यहाँ मैं आपको सबसे पहले साइन के रूल्स डिफाइन करूँगी, देन मैं आपको जो है डिजिट के अकॉर्डिंगली इसको मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस क्लियर करूँगी. ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन रूल मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ वो साइन के अकॉर्डिंग करने जा रही हूँ. जैसे कि हम जब प्लस की साइन को प्लस की साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है. मीन्स प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस. यानी कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, मतलब साइन के अकॉर्डिंग. इसी तरीके से अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगी माइनस से तो मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा. यानी कि जब आप माइनस की साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस में आएगा, यानी कि वहाँ प्लस की साइन शो की जाती है. ओके, इसी तरीके से अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूँगी माइनस से, प्लस माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. यानी कि उसके आंसर में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा. इसी तरीके से मैं माइनस को अगर मल्टीप्लाई करूँगी प्लस से तो आंसर में हमेशा मेरा क्या आएगा, माइनस ही आएगा. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस. ठीक है, ये तो हो गई साइन के अकॉर्डिंग की बात. अगर मैं इसी साइन के साथ कोई डिजिट ले लेती हूँ, तो मैं फर्स्ट वन वाले की बात कर रही हूँ पहले यहाँ पर. ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास गिवन है प्लस एंड प्लस, अगर मैं लेती हूँ प्लस टू मल्टीप्लाई बाय प्लस टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दोनों साइन के साथ डिजिट भी गिवन है. तो टू टू से क्या हो जाता है, फोर हो जाता है.
ठीक है, डिजिट डिजिट से मल्टीप्लाई हो गया, एन प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन भी मल्टीप्लाई की जाएगी और जो इसके साथ डिजिट आपको गिवन है वो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ को जो है वो साथ लेके चलेंगे। ये नहीं है कि आप डिजिट को मल्टीप्लाई करके जस्ट आंसर राइट कर दो या साइन को मल्टीप्लाई करके आंसर राइट कर दो, यहाँ आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको साइन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी साइन आपके पास यहाँ गिवन है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, प्लस उसके साथ जो डिजिट आपके पास गिवन है आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, इसी तरीके से मैं सेकंड की बात करती हूँ, अगर माइनस है, ठीक है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, तो माइनस माइनस, जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन कौन सी आएगी, प्लस की आएगी, एंड थ्री थ्री इज़ अ नाइन। क्लियर है बात, साइन को भी मैंने मल्टीप्लाई किया, देन डिजिट को भी मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ राइट करती हूँ प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, जो आपका थर्ड रूल मैंने आपको क्लियर किया था, ठीक है, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, एंड प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ प्लस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में जो है वो माइनस आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय प्लस फाइव, तो फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको साइन भी मल्टीप्लाई करके शो किया है, देन साइन के साथ जो भी नंबर आ रहा होगा उसको भी किस वे में मल्टीप्लाई करोगे, आप दोनों चीज़ों का किस वे में ख्याल रखोगे, मैंने आपको यही चीज़ यहाँ पर भी क्लियर की है। ओके, आई होप आपको क्लियरली मेरी बात यहाँ समझ में आ गई। नाउ ओपन योर पेज नंबर 15। On page number 15, we have first exercise from this unit. Okay. First of all, open your maths register and maintain your page like this. First, write down completed here unit 2. New unit start किया है हमने, तो यहाँ पर आप unit 2 लाजमी mention करेंगे. Operations on directed numbers, जो भी आपका unit का नाम है आप वो भी लाजम mention करेंगे. Then exercise 2.1, page number 15. एक्सरसाइज एंड पेज नंबर भी आपको लाजमी यहाँ मेंशन करना है। फिर क्लियर कर रही हूँ, हमने न्यू यूनिट स्टार्ट किया है तो आपको यूनिट भी मेंशन करना है, प्लस यूनिट का जो नेम है यानी कि टॉपिक का जो नेम है आपको वो भी यहाँ राइट करना है, देन एक्सरसाइज राइट करनी है, एंड पेज नंबर 15 भी आपको लाजमी मेंशन करना है। देन मेक अ लाइन प्रॉपरली, राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन हियर। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आपके पास जो कंप्लीट पार्ट गिवन है वो है 12, ठीक है, लेकिन आज हम जिन पार्ट पर वर्क करेंगे वो है 1, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है, इन पार्ट्स में हम वर्क करेंगे जिस पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और यहाँ पर भी जो है मैंने वही पार्ट्स यहाँ कॉपी किए हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 1, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9, आप भी अपनी कॉपी में जो है जस्ट वही पार्ट्स कॉपी करेंगे जो यहाँ पार्ट में आपको शो करी हूँ। ओके, सो आपके पास जो यहाँ क्वेश्चन गिवन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है गिवन वैल्यूज में से, ठीक है। स्टूडेंट, प्रोडक्ट के मीनिंग्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं या हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जो उसका आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो मल्टीप्लायर होता है, एक मल्टीप्लीकेंट होता है, ठीक है। मल्टीप्लायर क्या किसे कहा जाता है, मल्टीप्लायर हमारे पास वो होती है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और मल्टीप्लीकेंट वो होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो जो आंसर आता है आपका वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट वन यहाँ वैल्यू गिवन है वो है प्लस टू कॉमा प्लस फाइव। सो स्टूडेंट, प्लस टू आपने यहाँ कॉपी किया सॉल्व के बाद, कॉमा की जगह आपका क्या साइन आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, वहाँ से आप कॉमा जो है रिमूव कर देंगे और कॉमे की जगह क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड प्लस फाइव। क्लियर है बात, इस तरह आप अपने रजिस्टर में जो है वर्क करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि 2 एंड 5 गिवन है एंड प्लस गिवन है, तो आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको साइन का भी ख्याल रखना है, आपको उसके साथ गिवन नंबर का भी ख्याल रखना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास जो नंबर गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5, तो 2 5 ज़ा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है हमारे पास, और माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, जैसे कि मैंने आपको रूल यहाँ क्लियर किया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। क्लियर है बात, बहुत सिंपल है, आपके पास यहाँ कुछ पार्ट्स गिवन है और बहुत सिंपली है, सिर्फ आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपको साइंस के रूल का ख्याल रखना है, प्लस जो डिजिट आपके पास गिवन है आपको उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ सेकंड, थर्ड आपके पास जो गिवन है वो है -2, -7। सबसे पहले आपने -2 राइट किया, कॉमा रिमूव करके आपने मल्टीप्लीकेशन की साइन राइट की, देन -7। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास कौन सी साइन गिवन है, माइनस एंड माइनस गिवन है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 2 7 ज़ा 14, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात।
नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, प्लस टू कॉमा माइनस फाइव। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लस टू यहाँ कॉपी किया, कॉमे की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, देन माइनस फाइव हमने यहाँ कॉपी किया। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, जब भी प्लस की साइन को माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस, टू फाइव जा टेन, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, प्लस एट कॉमा माइनस फाइव, कॉमे की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, देन माइनस फाइव कॉपी किया हमने, प्लस माइनस माइनस, एट फाइव जा फोर्टी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? नाउ पार्ट सेवन, पार्ट सेवन में आपके पास क्या गिवन है, माइनस सिक्स कॉमा प्लस सेवन, सो माइनस सिक्स मल्टीप्लाई प्लस सेवन। ओके, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट एट में आपके पास क्या गिवन है, जीरो कॉमा प्लस टेन, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय प्लस टेन। सो स्टूडेंट, आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर है, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका जीरो ही आता है, जीरो टेन जा जीरो, और वहाँ आप कोई साइन की एडिशन नहीं करोगे, जस्ट जीरो राइट करोगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे आपके पास कोई भी साइन गिवन हो, प्लस की साइन गिवन हो या माइनस की साइन गिवन हो, जब आंसर आपका जीरो आ गया तो वहाँ आप कोई साइन मेंशन नहीं करोगे। इसी तरीके से जो पार्ट नाइन है उसमें आपके पास गिवन है जीरो कॉमा माइनस टेन, तो आपने राइट किया जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन, वही चीज़ आ गई यहाँ पर कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है, और साइन आप यहाँ कोई भी शो नहीं करोगे, चाहे आपके पास कोई भी साइन वहाँ गिवन हो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ जो है मैंने आपको बाकी सारे पार्ट जो है अच्छे से क्लियर कर दिए। फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने जिस पार्ट्स में आपको मार्किंग की है और जो पार्ट मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए, जस्ट वही आप अपने रजिस्टर में अटैम्प्ट करेंगे। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। आज हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑन डायरेक्टेड नंबर्स का टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिवीजन ऑन डायरेक्टेड नंबर्स पे वर्क करेंगे। ओके, टुडे क्लास इज फिनिश्ड नाउ, थैंक यू।